हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लासिफाई चैनल के एक और बेहतरीन कंपैरिजन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इसरो के दो बड़े मून मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के क्या डिफरेंसेस थे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों मिशंस के लॉन्च डेट की। चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। इस मिशन का लॉन्च 22 अक्टूबर 2008 में किया गया था। चंद्रयान 1 को सीधा मून की तरफ भेजने की वजह पृथ्वी के ऐसे ऑर्बिट में रखा गया था जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था और स्पेसक्राफ्ट को हमारे पृथ्वी से दूर ले जा रहा था। चंद्रयान 1 ने 8 नवंबर 2008 को चांद के ऑर्बिट में एंटर किया था। बता दें, चंद्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन था जो मून के अराउंड ऑर्बिट करके एनालाइज करता था कि मून का सरफेस कैसा है। वही दूसरी ओर चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 का फॉलो अप मिशन था जो कि 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और लगभग 2 महीने के बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया था। चंद्रयान 2 की खास बात ये थी कि ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन था जो एक्चुअली रोवर को चंद्रमा की सतह पे उतारने वाला था। चंद्रयान 2 के 3 पार्ट्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर का काम था मून के अराउंड ऑर्बिट करने का। लैंडर जो मून के सरफेस पर लैंड करेगा, इसका नाम रखा गया था विक्रम लैंडर। और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था, जो कि लैंडर से निकल के मून पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लैंडर और ऑर्बिटर के थ्रू इसरो को भेजने वाला था। दोस्तों, 6 सितंबर को विक्रम लैंडर को चांद की सतह पे साउथ पोल रीजन में लैंड करना था और ये मिशन अब तक पूरी तरह से इसरो के प्लानिंग के अनुसार जा रहा था। लेकिन चांद की सतह पे उतरने के 2 किलोमीटर ऊपर ही विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से टूट गया था। दोस्तों, इस विफलता के बाद इसरो चीफ के सिवन भी काफी भावुक हो गए थे। इन दोनों मिशंस के एम की बात करें तो चंद्रयान 1 मिशन का लक्ष्य ये था कि चंद्रमा के चारों ओर मौजूद कक्षा की जानकारी जुटाकर इसरो तक पहुंचाना। और इस मिशन के मुताबिक चंद्रयान 1 लूनार प्रोब ने चांद पर आयरन और बाकी मटेरियल्स के ट्रेसेस को खोजा। साथ ही इस प्रोब ने चांद पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन को एक्सरे सिग्नेचर के रूप में खोजा था। दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद के लगभग 3400 ऑर्बिट लगाए और चांद के सरफेस की 70,000 इमेजेस भी ली। साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर वाटर आइस को भी खोजा, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। वही चंद्रयान 2 के मिशन का लक्ष्य ये था कि चांद के उस हिस्से की खोज करना जहां तक आज तक दुनिया का कोई भी देश पहुंच नहीं पाया है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 2 का स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल में लैंड करके साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर करने वाला था जो कि अभी तक कोई भी देश कर नहीं पाया है। साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जिसका अधिकांश भाग हमेशा अंधकार में रहता है। दोस्तों, अगर चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम लैंडर सही सलामत चांद पर उतर जाता तो रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद भारत चांद पर उतरने वाला 4th देश बन जाता। लॉन्चिंग व्हीकल्स की बात करें तो चंद्रयान 1 के स्पेसक्राफ्ट को PSLV-C11 रॉकेट का इस्तेमाल करके सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। वही चंद्रयान 2 के स्पेसक्राफ्ट को GLSP-MK3 रॉकेट का इस्तेमाल करके सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया था। मिशन ड्यूरेशन की बात करें तो चंद्रयान 1 का वर्किंग पीरियड करीब 2 साल का था, लेकिन 20 अगस्त 2009 को यानी कि मिशन के 312 दिन बाद किसी अननोन रीजन के कारण हमारा संपर्क इस स्पेसक्राफ्ट से टूट गया था। वही चंद्रयान 2 का मिशन ड्यूरेशन 365 डेज का था। हालांकि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि विक्रम लैंडर आज भी चांद पर पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इस बात की पुष्टि इसरो और नासा ने अब तक नहीं की है। पेलोड्स यानी कि स्टडी डिवाइसेस की अगर बात करें तो चंद्रयान 1 पे भारत की 5 और दूसरे देशों की 6 स्टडी डिवाइसेस को मिला के 11 पेलोड्स लगे हुए थे। वही चंद्रयान 2 में इसरो ने ऑर्बिटर के लिए 8 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, लैंडर के लिए 4
और रोवर के दो डिवाइसेस को मिला के 14 पेलोड्स को सिलेक्ट किया गया था। चंद्रयान 2 की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसमें पूरी तरह भारतीय तकनीक और डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इन दोनों मिशन के की पीपल की बात करें तो डॉक्टर एम अन्नादुराई और टी के एलेक्स ने चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट का लीड किया था। वही चंद्रयान 2 को दो वुमेन साइंटिस्ट लीड कर रही थी, जिनका नाम था एम वनिता और रितु करिधाल। स्पेसक्राफ्ट मास की बात करें तो चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट का मास यानी कि वेट 1380 किलोग्राम था। वही चंद्रयान 2 का वेट करीब 3850 किलोग्राम था। बजट की बात करें तो चंद्रयान 1 मिशन के लिए टोटल 54 मिलियन डॉलर्स यानी कि 386 करोड़ रुपयों का इन्वेस्ट किया गया था। वही चंद्रयान 2 मिशन के लिए 141 मिलियन डॉलर्स यानी कि 960 करोड़ रुपयों का खर्चा किया गया था। यानी कि चंद्रयान 2 मिशन के लिए चंद्रयान 1 से 2.5 गुना ज्यादा खर्चा किया गया था। फिर भी ये बजट बाकी देशों के मून मिशन से काफी कम था। दोस्तों, चंद्रयान 1 मिशन के जरिए हमें चंद्रमा को करीब से जानने में मदद मिली। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान विक्रम लैंडर के लैंडिंग में कुछ गड़बड़ी जरूर हो गई, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, क्योंकि इसरो ने भेजा ऑर्बिटर अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है और वो आज भी चांद पर हो रही हलचल का डेटा इसरो तक पहुंचा रहा है। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर और रोवर से हमारा संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, जो कि अगले साल 2022 में लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के बारे में जानने में मदद मिली होगी। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 में इस्तेमाल किए गए लैंडर का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक नई वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।